हे गाइस, वेलकम टू तीजमटी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नोवा से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जिसको जानकर आप काफी ज्यादा खुश होने वाले होते हैं। उसी के साथ बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखेगा हर बार की तरह। तो सबसे पहले डिज्नी एक्सपो स्टार्ट हो चुका है और मेरा टोटल फोकस इसके ऊपर होने वाला है, जिसका न्यूज कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली सबसे पहले जो चीज देखने को मिली वो थी एवेंजर कैंपस, जो कि अभी इमेज निकल के गई है। ये एक थीम पार्क है मार्वल फैंस के लिए स्पेशली, जो कि डिज्नी की तरफ से गिफ्ट है। तो जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बिगेस्ट फैन है, जिसमें कि हमें थीम पार्क में सारे फिगर देखने को मिलेंगे, सारे कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे, टोटली जितना मतलब आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर एंड गेम तक का जो भी मार्वल ने लॉन्च करा है, वो सब उस थीम पार्क में देखने को मिलेगा। तो ये एक फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट है डिज्नी का, जो कि हमें इसमें फर्स्ट कॉन्सर्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं अपना इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। देन इसी के साथ डिज्नी प्लस का डेमो लॉन्च करा गया, जो कि 12 नवंबर को लॉन्च होने वाला है, और नवंबर के महीने में ही एप्पल स्ट्रीमिंग सर्विस भी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि मैं कैप्टन मार्वल 200 से ज़्यादा मूवी देखने को मिलेंगी, और डिज्नी पिक्सल मार्वल स्टार वॉर्स और नेशनल ज्योग्राफी काफ़ी सारा कुछ कंटेंट है, और इसमें इंक्लूडिंग हॉटस्टार भी है, तो सारा हिंदी में भी कंटेंट पॉसिबली देखने को मिलेगा। अब अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का। टॉम हॉलैंड ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ कुछ इमेजेस अपलोड करी हैं इंस्टाग्राम पर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने फिगर पकड़ रखा है स्पाइडरमैन का, और टॉम हॉलैंड ने फिगर पकड़ रखा है आयरन मैन का। अब ये इमेजेस क्यों अपलोड करी गई हैं और इसी टाइम क्यों अपलोड करी गई, और टॉम हॉलैंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ कर क्या रहे हैं, तो ये कुछ सवाल उठते हैं। और देन सभी जानते हैं कि टॉम हॉलैंड डिज्नी की तरफ है, मार्वल की तरफ है, और पूरी कास्ट जेरेमी वगैरह भी, तो कुछ तो लोचा है। और देन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया है कि एक्चुअल में मूवी कौन बनाएगा। तो क्या लगता है आपको, ये इमेजेस क्यों अपलोड हुई हैं? उसी के साथ डिज्नी ने फाइनली एक्सपो में स्पाइडरमैन का भी प्रमोशन कर रहा है। अब क्यों ऐसा, या ये प्रमोशन पहले ही कर दिया था तो ये इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। मार्क रफेलो ने अभी हाल ही में एक इमेज डाली हल्क की CGI वाली, जिसमें कि उन्होंने बताया कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है मूवी बनाने में, तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट काम है। उसी के साथ जेंडा ने भी टॉम हॉलैंड को देखते हुए सोनी को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। जी हाँ, ये रहा उनका स्क्रीनशॉट, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं उनके फॉलोअर्स में, उन्होंने सोनी को अनफॉलो कर दिया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये जानकर, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले फॉलो कर चुका हूँ, अनफॉलो। देन उसी के साथ जो थॉर लव थंडर की मेन कास्ट है, जो कि वर्दी होने वाली है, उनका एक छोटा सा रिप्लाई आया ब्रिल एंसर को। उन्होंने थॉर का थोड़ा उठा एक इमेज डाली, और साथ ही साथ उनका नीचे रिप्लाई आया टेक अ इजी, उसे आराम से यूज़ करो। समझ गए होंगे आपको ऐसा उन्होंने क्यों बोला। और अभी हाल ही में एक अपडेट आया है कि जोकर मूवी R-rated हो सकती है, देन इसमें कुछ अडल्ट सीन भी हो सकते हैं, तो आप मेरा ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हो, मैंने उसमें फुली डिटेल में बताया है। अब बात करते हैं नोवा के बारे में। तो हमारे एक टीम मेंबर ने नोवा को ढूंढ निकाला, जी हाँ, जिसमें कि उन्होंने इस सीन में नोवा को देखा, जो कि रेड सर्कल में है, जो कि करीब 2 घंटा 22 मिनट पे बताया जा रहा है। तो आप भी जाके चेक कर सकते हो, और ये पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। डेना जॉनसन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन चुके हैं, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है हम मार्वल फैंस के लिए भी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर ध्यान उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।